जैसे राम की राम का शरीर में जो शिव और ब्रह्मा का प्रविष्टा है, तो ब्रह्मा बाबा ही क्या रुद्र रूप धारण करेगा? या रौद्र माने अत्यंत विकराल रूप। अब ये तो निश्चित है कि जो जितना नीचे गिरता है वो उतना ऊंचा भी उठता है, जो जितना सौम्य होता है वो विकराल भी बनता है, जो जितना प्यार करता है तो मार भी करता होगा। तो इस सृष्टि में ऐसा कौन व्यक्तित्व है कि हर किसी ने उसके संसर्ग संपर्क संबंध में आकर सुख ही अनुभव किया है, कभी भी दुख अनुभव नहीं किया, वो कौन है? राम बाप अपने दिल से कह रहे हो या नए नए आए हो? है पुरानो तो पीछे पूछ लो कि दुख देता है कि नहीं देता है। अरे जरा मुड़िया घुमा के देखो, पूछो दुख देता है कि नहीं देता है? है भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही कहते हैं, तू ही दुख देता है, तू ही सुख देता है। है वो कौन कहते हैं? अज्ञानी है, अज्ञानी है, अज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी तो कोई है नहीं 100%। सब क्या है इस समय? है अपनी आत्मा के अनेक जन्मों को जानने वाले ज्ञानी हैं? है नहीं है तो सब क्या है? सब अज्ञानी है। तो अज्ञानी यही कहेंगे, यही समझेंगे कि भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब ज्ञानी तू आत्मा बनेंगे, अपने अनेक जन्मों का ज्ञान हो जाएगा, तब समझ में आएगा कि भगवान तो सदैव ही सुखदाता है, और वो सुखदाता बाप माता के रूप में इस सृष्टि पर आता है सुखदाता बन करके। तो कौन सी माता है जिसने सदैव सुख ही दिया? कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी ऐसे नहीं कहते कि प्रैक्टिकल में उन्होंने हमें कभी दुख दिया। कौन सा व्यक्तित्व है? दादा लेखराज ब्रह्मा। उनकी संसर्ग संपर्क संबंध में जो भी आत्माएं आई, जो भी ब्राह्मण आए, चाहे पुराने हो चाहे नए हो, प्रैक्टिकल में जो भी है संपर्क में आए, कोई भी ये नहीं कहता हुआ सुना गया कि बाबा ने हमको दृष्टि मात्र से, वाचा मात्र से अथवा कर्मेंद्रियों से दुख दिया। तो जो सुख देने वाला महसूस हुआ सबको, लेकिन क्या गारंटी है कि सब बच्चों ने उसको दुख नहीं दिया? बच्चों ने उसे दुख दिया होगा या नहीं दिया होगा? दिया होगा, क्योंकि बच्चे तो भांति भांति के हैं, कोई एक धर्म के तो हैं नहीं, नौ कुरियों के ब्राह्मण हैं, नौ धर्मों से आए हैं। तो वो बच्चे उनमें कोई ज्यादा दुखदाई, कोई कम दुखदाई, मां को भी दुख देने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने ब्रह्मा बाबा जैसी सौम्य आत्मा को भी इतना दुख दिया, कितना दुख दिया है? दुख की अति क्या कर दी, क्या अति कर दी कि उनका हार्ट फेल कर दिया। तो ऐसे बच्चों से हिसाब किताब पूरा कौन करेगा? जिसका हिसाब किताब बना होगा वो पूरा करेगा या कोई दूसरा करेगा? हैं? ब्रह्मा बाबा के पास जिन्होंने ऐसे बच्चों ने ऐसा जघन्य
हिसाब किताब किया है उन बच्चों को, वो हिसाब किताब भोगना भी उसी के द्वारा पड़ेगा। तो ब्रह्मा ही क्या हुआ, प्यार का सागर भी महसूस होता है बच्चों को, फिर वो धर्म का राजा धर्मराज भी महसूस होता है। इसलिए कहते हैं कि तू ही सुख देता है, तू ही दुख देता है, लेकिन वास्तव में शिव बाबा तो बाप है, वर्षा देने वाला है, सुख का वर्षा देने वाला है या दुख का वर्षा देने वाला है, सुख का वर्षा देने वाला है। 21 जन्म सदा सुखी ही सुख, अथवा तो कोई कोई ऐसी भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो 82-83 जन्म भी सुखी सुख में रहती, उनको इतने जन्म का सदा सुख का वर्षा देने वाला कौन है, शिव बाबा। ऐसे नहीं कहेंगे ब्रह्मा बाबा, नहीं, तो ब्रह्मा ही धर्मराज का पार्ट बजाने वाला है। बाप तो सदैव प्यार का सागर है, वो दुख कभी देने वाला नहीं है। हाँ, कहते हैं मेरे साथ धर्मराज भी है, मैं धर्मराज नहीं हूं, लेकिन मेरा राइट हैंड धर्मराज है। और Thank you.